Hi guys, this is Team Trekago. Welcome back to our new vlog, and today we'll be vlogging at Asherigarh. Asherigarh पहुँचने के लिए हम लोग पालघर से आए. पालघर से बस लिया था हम लोग मस्ताना के लिए. मस्ताना पे उतर के हम लोग ने प्राइवेट रिक्शा लिया था. हमने को 100 रुपया पड़ा था. हम लोग को 100 रुपया पड़ा था, पर मस्ताना पे उतरोगे ना बस से, तो उधर से टमटम या ऑटो है. ऑटो लोग ऑटो वाले 200-250 लेते हैं और टमटम 30 रुपीज पर पर्सन लेता है. पर टमटम वाले लोग ज़्यादा टाइम रुकाते बिकॉज वो लोग को टमटम भरने टाइम लगता है, 10-12 लोग को लेके जाते हैं, तो टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग है. और ऑटो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो फिर 200-250 रुपये लग जाता है वो. तो हम लोग को थोड़ा 100 रुपये में पड़ गया. बार्गेन करने के बाद 100 रुपये मिले. बार्गेन नहीं, उसको काम था गैस भराने के लिए आने का था, तो इसमें 100 रुपये ले लिया उसने हम लोग से. तो बस अभी पीछे अशेरीगढ़ है और अभी कुछ कोना विलेज. आप हाँ इधर वाले को बोल दोगे अशेरीगढ़ तो छोड़ देगा. ये इधर पूरा डिटेल्स दिया है. तो जो बेस विलेज है, बेस विलेज का नाम है खड़कोना. तो उधर से ट्रैक स्टार्ट होता है. तो अभी 10:20 हुआ है, हम लोग ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं. कितना टाइम लगता है देखते. और अगर रास्ते से आना है तो बाय कार या बाय बाइक तो बहुत अच्छा है. मुंबई अहमदाबाद पीछे हाईवे, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पीछे, और जस्ट उसके सामने से ही ट्रैक स्टार्ट होता है. मीन्स ये गांव के एंड में होटल एक, इधर खाने के लिए आपको सब मिल सकता है. ओमकार किनारा स्टोर करके है और इधर बोर्ड भी है. सो इधर से ही वे है जाने के लिए अशेरीगढ़ के लिए. ये पात है और अशेरीगढ़ थोड़ा घूम के रास्ता. तो बस विलेज के अंदर से आपको आना है और ट्रैक स्टार्ट करना है आपका ये लोकेशन से. अभी हम विलेज में से उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला कि मार्किंग्स तो है आगे, मतलब बोर्ड से ऐसा. तो भी जस्ट ट्रैक स्टार्ट किया है, तो देखते कितना टाइम लगता है ऊपर तक पहुंचने के लिए और मार्किंग्स कैसा है, ट्रैक डिफ़िकल्ट है और जो भी आपको बताते. बाकी हम लोग अभी समर सीज़न में ट्रैक कर रहे तो डिफ़िकल्ट होने वाला है बिकॉज धूप बहुत ज़्यादा है. तो हाँ, एक टफ टास्क है समर में ट्रैक करना. तो देखते कितना टाइम लगता है. So we are done with around half an hour of trekking, and most of the way is like a trail from the base village, and we've just stopped here for some rest to drink some water. It's very hot, so, and we also have a wonderful view of Asherigarh there.
That's a new Trekago member. Not very new, but safe. He joined us today for a trek. बहुत ज़्यादा गर्मी है, हर थोड़े टाइम के बाद ना 5 मिनट का ब्रेक तो लेना ही पड़ रहा है कब से, क्योंकि इतना गर्म है और ऊपर से चढ़ने का भी है तो बार बार थक रहे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और गर्म बहुत है। और हाँ, ये ट्रैक पे आपको मार्किंग्स बहुत थोड़े थोड़े टाइम के बाद मार्किंग्स मिल जाएगा। ऐसे एरो दिख रहा है इधर, जैसे बहुत सारे मार्किंग्स है इधर पूरे ट्रैक पे, तो डिफ़िकल्टी होएगा नहीं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोग रास्ता भटक जाओगे या आपको प्रॉब्लम होएगा। मार्किंग से बहुत जगह जगह बोर्ड्स भी है और रास्ता एकदम सीधा सीधा है, कुछ ऐसे बीच में 3-4 रास्ते हैं नहीं, तो अगर वे की बात करो तो इजीली आप पहुंच सकते हो ऊपर तक। तो 1.5 घंटा ट्रैक करने के बाद थोड़ा आराम आराम से रुक रुक के हम लोग ये सीढ़ी के पास पहुंच गए। तो पहला एक्चुअली ये सीढ़ी नहीं था, पर थोड़ा थोड़ा डेंजर रूट था इधर से, तो अभी वो लोग ने सीढ़ी लगाया यहाँ पर, तो आसानी से चढ़ सकते ऊपर। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द हाईवे, मुंबई अहमदाबाद हाईवे एंड द फोर्ट। 2 आवर्स हो गए हम लोग को और आफ्टर 2 आवर्स हम लोग एट लास्ट पहुँच गए डेस्टिनेशन पे हम लोग के, अश्रीगढ़ फोर्ट पे। और मेरे पीछे एकदम ब्यूटीफुल व्यू है मुंबई अहमदाबाद हाईवे का, बहुत मस्त लग रहा है। उधर से पूरा उतना चल के हम लोग ये पूरे माउंटेन पीछे घूम के आए हैं, पूरा 2 घंटे लग गए। और इधर है अश्रीगढ़ का फ्लैग, बहुत बड़ा फ्लैग है, यूजुअली इतना बड़ा फ्लैग दिखता नहीं हमें कोई भी फोर्ट पे, छोटा फ्लैग रहता है, बहुत बड़ा फ्लैग है। सो यस, इतनी गर्मी में ट्रैक कंप्लीट करने का जो मज़ा आता है ना, बहुत 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 बेस्ट एक्सपीरियंस है ये। सो अगर कभी ट्रैक करना है तो अच्छा एक्सपीरियंस करना है तो रेनी सीजन में और विंटर में तो सब लोग ही आते हैं, समर में कोई नहीं आता, तो समर में ट्राई करो तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल ट्रैक क्या होता है। और जैसे आप देख सकते हो ये ट्रैक पे कोई नहीं, मतलब हम लोग तीनों के अलावा ना कोई आया नहीं है, तो समर में कोई ट्रैक करता नहीं है, कोई इतना मेहनत लेता नहीं है कि समर में आए, तो या ये अलग एक्सपीरियंस है। आप लोग भी थोड़ा समर में ट्राई करना कभी ट्रैक। We are done with our rest and we had little lunch, not lunch, snacks, and we are going to start descending now from Ashirigarh. So we might go to Kelwa Beach. शायद अगर time पे पहुँच गए तो Kelwa भी चली आएंगे। थोड़ा
पानी में डुबकी लगाने तो मिलते हैं नीचे सीधा बेस विलेज पे। तो हम लोग नीचे पहुंच गए हैं। हम लोग को कुछ एक घंटा लगा नीचे आने के लिए ट्रैक करके, आके रिफ्रेश हुए थोड़ा पानी वानी पी। तो अभी बस हाईवे पे हम लोग देखेंगे मस्ता नाका तक कैसे जा सकते हैं, ऑटो या कुछ देखते कैसे, और मस्ता नाका से फिर बस करके जाएंगे पालघर स्टेशन, और अगर प्लान बनता है तो केलवा भी जाएंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट घर पे चलिए। So guys, after a long morning and afternoon of trekking and a very good evening on the beach, I think we are done on Kelwa beach. We are done for the day and we'll be heading home now. So, Jasjeet. So, अगर आपको ये vlog अशेरीगढ़ का अच्छा लगा तो please like, share और comment कर देना। तो मिलते हैं कोई new trek पे, कोई new vlog में, तब तक लिए keep supporting Team Trekka को, signing off. Thank you.